नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल के सेक्टर 7 स्थित कर्णेश्वरम महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि सीएम सैनी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया महादेव का और सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान जो है सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों की श्रावण मास शुरू होने की अग्रिम बधाई उन्हें दी। सीएम ने कहा कि सिरसा में एक पेड़ मां के नाम अभियान में 20,000 लोगों ने एक साथ पौधारोपण किया है। प्रदेश में सभी विभाग, सामाजिक संस्थाओं के सभी वर्ग पेड़ लगाने में लगे हुए हैं। पेड़ों की सुरक्षा के लिए 50 हर वन मित्र जो है नियुक्त किए गए हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है ब्रह्म सरोवर तट पर आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में साइकिल यात्रा कर उन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने साइकिल चलाकर के लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया, तो वहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए बॉक्सिंग में भी पंच का दम दिखाया। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जमकर सराहना की। उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया, तो वहीं ब्रह्म सरोवर परिसर में पौधारोपण भी किया। और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल वडौली दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। इसी के साथ ही मोहनलाल वडौली केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी मिले। तो दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है राव इंद्रजीत सिंह से मिले हैं। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर के इन दोनों में चर्चा हुई है, ये बात भी सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए मुलाकात के दौरान की, शॉल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल को। और हरियाणा स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में गुड़गांव के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला है। गुड़गांव जिले ने इस प्रतियोगिता में ओवरऑल पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं झज्जर के खिलाड़ी दूसरे और सोनीपत के खिलाड़ी तीसरे स्थान पर हैं। इस खास मौके पर विजेता खिलाड़ियों को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अब प्रदेश के गांव और देहात से भी स्विमिंग के खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं। अब बच्चे स्विमिंग को अपना करियर बनाकर खेल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने इसी के साथ ही पेरिस ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। आज देखो, ये हरियाणा स्विमिंग फेडरेशन की तरफ से जो ये प्रतियोगिता आज के दिन समापन के ऊपर है, 4 दिनों से चल रही है। पिछले साल भी मैं आया था, लेकिन वहां पर उस टाइम के ऊपर इंडोर पूल था, इससे छोटा था। और यहां आने के पश्चात मुझे मालूम चला है कि ये 50 मीटर का पूल केवल 52 दिन के अंदर बना है। तो जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं स्विमिंग फेडरेशन के अनिल खत्री जी और उनके प्रधान धर्मवीर जी, इनकी ऐसी उपलब्धि है कि मैं समझता हूं कि इनको पुरस्कृत करना चाहिए। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा को करीब 3,50,00,000 की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी है। मुजेसर गांव में महाभारत कालीन ऐतिहासिक बाबा हृदय राम मंदिर कुंड, जीर्णोद्धार सेक्टर 22 और 23 स्थित शिव कॉलोनी और मुजेसर गांव में बनेगी। आधा दर्जन से ज्यादा कंक्रीट आरएमसी की गलियां, बल्लभगढ़ विधानसभा के मुजेसर गांव में गौशाला और सत्संग भवन भी बनाया जाएगा। वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विधानसभा के लोगों को सीएम सैनी के सहयोग से विकास कार्यों की सौगात दी गई है, जो कार्य जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। हमने 10 बजे से शुरुआत की, हमने कहीं रोडों की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, कहीं कुंड की है, बाबा हृदयराम के कुंड की 180 लाख से गौशाला है, उसका एक सत्संग भवन है 180 लाख की, 70 लाख की रोडों की, और 350 के आसपास आज हमने उद्घाटन किया है। और जल्दी से रोड ये बनकर 4
और शहर में कोई ऐसा गली नहीं रहे जिसकी समस्या मेरी हो सकती है, पर हम बाकी किसी को छोड़ा नहीं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में। और कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की पदयात्रा रविवार को बावल विधानसभा पहुंची, जहां जगह जगह लोगों ने रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का फूलमालाओं से स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब जनता बीजेपी की जनविरोधी नीतियों को जान चुकी है और बीजेपी से उसके 10 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। इसी के साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा की जनता की आवाज बनकर के बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, 750 किसानों की मौत जैसे गंभीर सवालों का जवाब और हिसाब मांग रही है, लेकिन बीजेपी सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। इस मौके पर गुरुग्राम से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राज बब्बर और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव भी मौजूद रहे। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जो ये सरकार है वो कुछ काम तो करती नहीं, केवल असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को लेके आती है। इस देश में मैं समझता हूँ इस तरह की नीतियां इस देश के लोग स्वीकार नहीं करते। देखिए ये जो ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई का दौर हरियाणा पिछले एक हफ्ता से जब से हमने हमारा ये अभियान शुरू किया है। और हरियाणा में कांग्रेस नेताओं पर की जा रही ईडी की रेड पर पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर के कांग्रेस विधायक गीता भोकल ने कहा कि राजनीतिक द्वेष की भावना से ऐसी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, जिसको लेकर के बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी हार का डर सता रहा है। बीजेपी इस समय दबाव की राजनीति कर रही है और जिसका जवाब जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें देगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला द्वारा जो है भूपेंद्र हुड्डा को लेकर दिए गए बयान पर भी विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का है और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ही बनने वाली है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं गुरुओं के दरबार में, हमने मत्था टेका और अपने क्षेत्र के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना भी की है। यहाँ पर आए हैं बाबा गोपाल दास जी का, गीता दास जी का, सभी के गुरुओं की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर और बहुत ज्यादा मान्यता की ये स्थान है। तो यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि जो जगह जगह से न केवल शहर से बल्कि आसपास के गांव से भी सभी लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, हमने भी आकर यहाँ से गुरुओं का आशीर्वाद लेने का काम किया। साथ ही साथ में सेक्टर 9 के बीच में बसा हुआ ये देवालय है, इसकी यहाँ की भी थोड़ी बहुत ही समस्याएं हैं, जो खासतौर से एक तालाब है उसके लिए पहले पानी की व्यवस्था थी, सेक्टर 9 कट जाने के बाद पानी की व्यवस्था वो नहीं रही है। कुछ यहाँ पे जो है वो रोड वगैरह आसपास के रोड की है तो उसको भी हमारा प्रयास रहेगा टेकअप करेंगे। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, गुरुओं से हमेशा सीख लेनी चाहिए और जीवन में सुधार करना चाहिए। और बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड में नगर निगम द्वारा पिछले काफी समय से पूरे शहर के नाले और सीवर की गंदगी को लाकर डाला जा रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी समस्या का सामना भी यहां पर करना पड़ रहा है। कई बार नगर निगम और बल्लभगढ़ के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को कई बार की इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई। आखिर में परेशान होकर लोगों ने बल्लभगढ़ पूर्व विधायक शारदा राठौर से मदद की गुहार लगाई है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगी। पूर्व विधायक शारदा राठौर के चेतावनी देने के 2 दिन के बाद ही नगर निगम अलर्ट मोड पर दिख रहा है। राधानगर के निवासियों ने मुझे फोन करके बुलाया कि दशहरा मैदान में कूड़ा इकट्ठा करने का स्थान बना दिया गया है, डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। और जब मैं मौके पर पहुंची तो राधानगर के सभी प्रबुद्ध नागरिक वहां इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरह शहर के बीचों बीच राधानगर के सामने, हॉस्पिटल के सामने, दशहरा मैदान में राजा नाहर सिंह जी की मूर्ति की बिल्कुल जड़ में
एक डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है कूड़े के लिए, और वहां दुनिया भर के जो सीवर की सिल्ट है वो आ रही थी, कूड़ा कचरा आ रहा था और बदबू मार रही थी, दुनिया भर के मच्छर मक्खियां वहां पैदा हो रहे थे। ये बहुत बुरी हालत चल रही है। क्या एसीबी तो अब चल रही है, पहले तो हम इतने परेशान होते हैं हो गए हैं यहाँ पर। ये तो परसों चौथ शारदा जी आई हैं, उन्होंने ये काम करवाने का थोड़ा बहुत हमारी सुनी है बात, बाकी पहले तो कोई बात होता ही नहीं था यहाँ। हमने बथेरे एमएलए के वहाँ ऑफिस में जा जाके बथेरे धरने दिए हैं, बहुत उनको कहा भी है, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई सुनता नहीं। ये तो शारदा है जी, कहाँ पर इसकी शिकायत की गई थी? हम तो एमएलए के उस तक ही गए जी, बाकी और दूसरी जगह कहाँ जा सकते हैं। हमारी तो दौड़ यहाँ तक ही होती है। या हमारे अब शारदा जी ने सुनी है, शारदा जी दो दिन पहले आए हैं, तो अब वो ये थोड़ा जेसीबी आई, शारदा राठौड़ जी आई हैं, उन्होंने आगे देखा, उन्होंने पूरा देख देख करके उन्होंने कहा कि हम इसको साफ कराएंगे और हम इसका सब कुछ काम कराएंगे। हम उनसे कमिश्नर जी से मिलेंगे और हमें इस बार शारदा राठौड़ जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जैसे कह के गए वैसे यहाँ पे काम चालू हो गया और हमारे यहाँ पे बच्चे भी बीमार होने लगे थे इसको देख देख के। यहाँ पे राजा नार सिंह की प्रतिमा भी लगी हुई है, उसके साथ भी सारा कंध हो गया जी। हम शारदा जी का बार बार धन्यवाद करते। कितने समय से परेशानी बढ़ी? कई साल से। आदमपुर नगर पालिका टूटने के बाद से पहली बार पहुंचे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और विधायक भव्य बिश्नोई का नगर पालिका हटाओ संघर्ष समिति और मंडी आदमपुर वासियों ने जोरदार स्वागत किया है। वहीं ढोल धमाकों के साथ जुलूस के रूप में उन्हें मुख्य बाजारों से अनाज मंडी तक लाया गया। इस दौरान बाजारों में जगह जगह पर लोगों ने कुलदीप और भव्य बिश्नोई का फूल मालाओं को पहनाकर और लड्डुओं से स्वागत किया। अनाज मंडी में नगर पालिका हटाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद सोनी और मुन्ना शर्मा ने अन्य सदस्यों सहित पगड़ी पहना करके और चादर उड़ा करके कुलदीप बिश्नोई के साथ भव्य स्वागत और उनका सम्मान किया। वहीं इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर और भजनलाल परिवार का रिश्ता कभी राजनीतिक नहीं रहा, 56 सालों से आपसी भाईचारे और अटूट विश्वास का ये संगम ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा। रात वो भव्य को भी कहते थे, मुझे भी कहते थे, और अभी हमारे पास नगर पालिका नहीं था, तो इसलिए हमको अन्य मुख्यमंत्री जी को मिले। नायब सैनी जी का दिल की तरह से भार व्यक्त करता हूँ, सुभाष हुड्डा जी का भार व्यक्त करता हूँ और भव्य की मदद को भी बधाई देता हूँ। मिलजुल के जन भावनाओं के अनुरूप भव्य नगर पालिका खुलाने का जो अधिकारियों ने मनमानी की थी, अब उनका क्या इलाज करोगे? अधिकारियों का जिन्होंने मनमानी की थी, आदमपुर की जनता के साथ लूटने का काम किया, किसी ने न्याय किया तो क्या सख्त कार्रवाई कराएंगे? और एनजीटी के आदेश के बाद से सेक्टर 8 में एचएसवीपी की जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ने में खानापूर्ति करने के मामले में लोगों ने अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि सेक्टर 8 की एक पॉकेट में हाल ही में एचएसवीपी की तरफ से एक अवैध मकान को तोड़ा गया था। लोगों का कहना है कि एनजीटी का साफ आदेश है कि अवैध मकान को तोड़ करके यहां से मलबा हटाकर उस जगह को पार्क के तौर पर डेवलप करना था, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों ने उसे पूरी तरह से न तोड़ करके ऐसे ही छोड़ दिया, जिसको लेकर के लोगों ने एचएसवीपी के अधिकारी और कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मैं 1796 सेक्टर 8 में रहता हूं। मेरे पड़ोस में ही इंक्रोचमेंट की हुई है, तो जो हमें नक्शा मिला हुआ है हुडा की तरफ से, उस नक्शे में उस 2200 स्क्वायर के जमीन में पार्क की जगह दी हुई है उस नक्शे में, और वो हुडा ने उसे डेवलप करके देना था, बट हुडा ने उस पार्क को डेवलप नहीं किया, तो उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कर ली, सुरेंद्र नाम के आदमी ने इंक्रोचमेंट की है, और उस इंक्रोचमेंट पे पहले छोटा मकान बनाया, छोटी सी दुकान बनाई, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बना ली 2 मंजिल की। करीब 4 साल पहले 2000 में हमने इसकी कंप्लेंट की, क्योंकि पार्क के ऊपर उसका इंक्रोचमेंट हुआ था, तो हमने एनजीटी में कंप्लेंट की उसकी। 1775 सेक्टर 8 में रहता हूँ। क्या दिक्कतें हैं? क्या पर दिक्कत ये है कि एक ने जो है हमारे पार्क में इंक्रोचमेंट कर रखी है, और वो गलत तरीके से कर रखी है, जो कि हम प्रशासन से लग चुके हैं, एनजीटी के ऑर्डर हैं,
चार साल से लगे हुए हैं, चार साल से अभी तक कोई वो नहीं कर रहे हुड्डा वाले। डीसी के भी ऑर्डर हैं, थोड़ा सा तोड़ जाते हैं, उसके बाद फिर उसकी तोड़फोड़ बंद हो जाती है। बिजली की कोई बात बता, बिजली की बात ये है कि इन्होंने बिजली का जो कनेक्शन है वो हमारे सेक्टर वासियों की उससे ले रखा है, जबकि वो इनलीगल है। फिर कनेक्शन कटवा दिया था ये हुड्डा ने, उसके बाद उसने फिर डायरेक्ट खुद जोड़ लिया बिजली का। मैं इसी पॉकेट में रहता हूँ 1778 में। जो अभी प्रशासन की तरफ से ऑर्डर आया था, मतलब एनजीटी की तरफ से, कि एक अवैध कब्जा हमारे पॉकेट में हुआ है, वो जबकि प्रशासन की ही जमीन थी, उसे हमने खाली करवाने के लिए कहा था, तो उसकी अनुपालना अच्छी तरह से नहीं हुई, थोड़ा बहुत ही तोड़ा गया, चार पाँच साल के बाद। ठीक है, हम लोग ये चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से डिमोलाइज किया जाए, साफ किया जाए, और यहाँ पर पार्क है तो पार्क को डेवलप किया जाए। और मैं मकान नंबर 18/3 सेक्टर 8 में रहता हूँ, और हमारे पॉकेट में दो पार्क हैं, जिसमें जो दूसरी पार्क है हुड्डा के नक्शे में है, 1967-68 में जब ये प्लॉट कटे उस समय के ही नक्शे में वो पार्क डेवलप्ड है। उस पार्क में इंक्रोचमेंट किया हुआ था, और 2020 में जब उनमें मकान। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।